आज मैं अपने कॉलेज आई हूँ और अभी शाम के बज चुके हैं कितने 3। तो हमारे सामने दिख रहा है आपको प्रिंसिपल ऑफिस। तो ये कॉलेज का ऑडिटोरियम है जिसमें सभाएं होती हैं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ ऑफ फ्रीडम में और हम आ चुके हैं इंडिया। तो दोस्तों आज मैं अपने कॉलेज आई हूँ तो आपको दिखाती हूँ आफ्टर 5 मंथ्स मेरे को कैसा लगता है। और ये है अजय भैया जो कि मेरे सीनियर हैं। तो लेट्स गो, अजय भैया हमें दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी कॉमेडी करते हैं। हेलो भैया, आप देख रहे हैं सारे डिपार्टमेंट ये बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये सामने बीकॉम प्रोग्राम वाले डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है सभी में। ये भैया हमारी वो होती थी ना क्लासेस, सामने से दिखाते अपने दोस्तों को। ये थी हमारी क्लास, ये फर्स्ट बेंच है जिसपे मैं कभी नहीं बैठा, ठीक है क्योंकि मैं क्लास आया ही नहीं कभी। स्पोर्ट्स में थे सारे, पूरा प्रैक्टिस चलती रहती थी तो हम लोग वहीं रहा करते थे। तो क्लास से क्या कोई मतलब नहीं था, इसे पढ़ते थे, पढ़ने में अच्छे भी हैं इसलिए से पास आउट हुए, इसलिए यहाँ आए हैं, ठीक है। हम लोग जो है, मैं तो बीए प्रोग्राम से थी पर मेरे पास बहुत हार्ड सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, और भैया के पास तो बीकॉम थी तो भैया बहुत अच्छे थे पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि हम केवल स्पोर्ट्स में ही लगे रहते थे, पर ही वॉज द बेस्टेस्ट वन। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इसलिए वो पास हुए हैं। तो कितने डिवीजन से पास हुए थे भैया आप? मेरा फर्स्ट डिवीजन था। मेरा भी फर्स्ट था वैसे तो। ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं अब। ये हमारे इतने सुंदर सुंदर जीने बना रखे हैं कॉलेज वालों ने, ये बाद में बना रखे हैं अभी निकलने के बाद। तो थक गए हम सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के, और हम आपको दिखाते हैं अपनी कॉलेज की नई बिल्डिंग। हमारे कॉलेज का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि नाम की दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। क्यों भैया? पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ने वाला चाहिए। ओ भाई तो क्या बात बोली भैया ने। तो ये हमारी नई बिल्डिंग बनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम कभी नहीं आए भैया, है ना, आफ्टर कॉलेज। क्लासेस है यहाँ पे, पढ़ाई चल रही है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कॉलेज की जो यादें होती है ना, वो क्लास लेने के बाद यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। यस, ये डांस प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये क्या बन गया भैया, एक वो कैसे बालकनी बोलते हैं ना उसको, ये बालकनी बना दिया कॉलेज की। और यहाँ पर डांस का प्रोग्राम चल रहा है और बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं गपशप करने के लिए। जब ठंड होती है तो सारे बच्चे बैठते हैं ये ग्राउंड में। ये हमारा कॉलेज का, जब कॉलेज टाइम पर रनिंग करती थी तो मैं अजय भैया से ज़्यादा फास्ट भागती थी। अजय भैया से सोचते थे कि मैं कब इससे ज़्यादा फास्ट भागूँ, पर आज तक ये मेरे से फास्ट नहीं भाग पाए। ये हमारे कॉलेज का सेंट्रल ग्राउंड बोल सकते हैं हम, सेंट्रल ग्राउंड। जब भी यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह होते हैं तो सब यही आते हैं ना भैया फोटो सेशन करने के लिए। और वो सामने आपको दिख रही है वो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, ठीक है। और सामने ये भैया उसकी है ना हिंदी ऑनर्स की एकेडमिक ब्लॉक, ये भी एकेडमिक ब्लॉक है जिसमें ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। वहाँ प्रिंसिपल ब्लॉक है, प्रिंसिपल रहता है वहाँ पे, और सारे डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट, राइट। और ये हमारा कॉलेज अभी बन रहा है और ये दीपू शर्मा यहाँ पर है। और अभी शाम के बज चुके हैं कितने 3। और यहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं ना, लंच निकाल कर खा रहे हैं। तो ये नया बना हुआ है ना। तो हम जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए अपना प्रिंसिपल ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेट जो भी है यार, बोलने भी नहीं आता। इस कॉलेज में इतनी फ्रीडम है कि यहाँ पे कोई टीचर ही नहीं दिखा भी था। ये तो छोटी अच्छी लगती है क्या भैया? दिल बड़ा उन चीज़ें तो छोटी अच्छी लगती है। तो अपने दर्शकों को दिखाते हैं हम अपना प्रिंसिपल ऑफिस प्लस मीडिया ब्लॉक, मीडिया ब्लॉक ही है ना। और स्पोर्ट्स रूम भी दिखा देंगे, कोई जाता नहीं है स्पोर्ट्स रूम दिखाने में। बेशक हम स्पोर्ट्स रूम से नफरत करते हैं बिकॉज स्पोर्ट्स रूम ने हमें बहुत कुछ अच्छी और बहुत कुछ बुरी यादें दी है, पर हम फिर भी अच्छे बच्चे, हम चले जाते हैं स्पोर्ट्स रूम में, यू नो। तो दिखाते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफिस, देन मीडिया ब्लॉक, आफ्टर इट अपनी कैंटीन। जरूर दिखाना नहीं भूलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि हम कैंटीन में इतने मजे करें हम लोगों ने। फ्री के टोकन खाए, अभी हम एक्सप्लोर करें भैया, बता देते हैं ना। फ्री के टोकन खाए डीपी से चुरा चुरा के, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का फ्री में खाते थे स्पोर्ट्स वाले बंदे थे। देखो हमने बता दिया डीपी सर को, अगर बात पहुंच गई डीपी सर तक तो मुश्किल हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम मेहनत का खाया है। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है। यहाँ पे हमारे कुछ मित्र सैक्रिफाइस कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए। और ये देखिए आप, बनाना अलाउड है भैया। तो हमारे सामने दिख रहा है आपको प्रिंसिपल ऑफिस, देखने में तो बाहर से ऐसे ही है छोटा मोटा, पर अंदर से यहाँ पे बहुत आलीशान प्रिंसिपल ऑफिस है, एसी वैसी सब लगे हुए हैं। भैया हमें छोड़ के चले गए। और तो प्रिंसिपल ऑफिस के बाद हम आ गए मीडिया ब्लॉक में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेम चीज़ें हैं यहाँ पर, सेम स्ट्रक्चर बना रखा है मीडिया ब्लॉक। लेकिन मुझे ना अपने कॉलेज का ये जीना सबसे बढ़िया लगता है, देखना क्या स्टाइलिश जीना बना रखा है। ये हमारा बाथरूम है। सर नमस्ते, और हम सर के पास सर से नमस्ते भी कर लिया मैंने, देखा मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ। तो हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने छोटू भैया का, बताती हूँ मैं आपको छोटू भैया कौन है। तो पीछे से अभी भैया आ रहे हैं, तो उनको सरप्राइज़ देते हैं कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ आ गए छोटू भैया। हेलो भैया, पहचाना? अरे कैसे हो? बढ़िया। तो ये छोटू भैया हमारे कैंटीन के भैया। आप कैसे? तो आपके मीडिया ब्लॉग हम आ गए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे, तो आपको दिखाते हैं कैसे हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मस्ती करते थे। तो नेक्स्ट ब्लॉग नहीं हो पाएगा। तो ये पूरा हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जिसमें एनसीसी वालों ने कब्जा कर लिया और एनएसएस वालों ने भी कब्जा कर लिया है। तो दिखाते हैं आपको कैसे हम मस्ती करते हैं भैया। आफ्टर प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर आके लेट मारते थे, मतलब रिलैक्स करते थे, अपनी स्ट्रेचिंग वगैरह करते थे, और कुछ फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे आकर यहाँ पर हमारा टाइम स्पॉइल भी करते थे। देख सकते हैं। तो आइए एक कोचिंग दिखाते हैं। ये तो लॉकर है यहाँ पर, हमारे कॉलेज में तो लॉकर आप देख रहे हैं, इसमें आप सामान रख सकते हैं और प्लस ताला भी लगा सकते हैं। प्लस अगर आपका सामान खो गया है, आपके पास सामान नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ताला आप तोड़ सकते हो और फिर सामान निकाल सकते हैं। हमने तो ऐसे किया है। तो यहाँ पे आप स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हमारे खेलने के इक्विपमेंट्स रखे हुए होते थे। दिखाते हैं हम क्लोज से आपको, जो कि बहुत गंदा हो चुका है ये। और हाँ देखिए मेरा नाम भी है यहाँ पे, सपना शर्मा कोऑर्डिनेटर है, यू नो मैं कॉलेज में कोऑर्डिनेटर थी। भैया सॉस दे दो, सॉस। चुरा के ले आई मैं बेबी, कैसा लग रहा है आपको? मैं चुरा के लेके आई हूँ।